देखिए अक्सर बेजुबान किसी खाने की तलाश में अपने घरों के आसपास पहुंच ही जाते हैं। ऐसे ही एक जीव चूहे खाने की तलाश में या मेंढक की खाने की तलाश में एक निर्माणाधीन मकान में पहुंच गया है। ये मकान है हमारे इंटीरियर मैडम रिचा जी गोटारी, जो फतेहनगर की फेमस इंटीरियर है। तो इनके घर पर आया था, इन्होंने हमें कॉल किया है। हम इसको सुरक्षित आसानी से पकड़ेंगे, बिना किसी चोट पहुंचाए, और वापिस सुरक्षित जंगल में पुनर्वास के लिए इसे रिलीज किया जाएगा। ये देखिए एक इंडियन रेड स्नेक, एक दामन प्रजाति का सांप है, जो जहरीला है, इसमें किसी भी सांप में जहर नहीं होता है, लेकिन ये काटता है। काटता है इसमें, इसके मुंह में लगभग 100 से 150 दांत होते हैं। इसके काटने पर इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरिया होने की वजह से, लेकिन किसी प्रकार कोई वेनम नहीं होता है इसके मुंह में, ना एंटी वेनम लगाने की जरूरत होती है। ये देखिए ये लपके नहीं 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 वापस जावे ताकि वहां चला जाए, उसमें वापस इसको चिपना है। भैया कर बाबा ने करते कर रही है ना, उठा ले ये तो मम्मी सांप है घर पे प्लॉट पे। लगभग 5 फीट लंबा होगा ये, 5 फीट लंबा। दीदी को करना हाँ, ये सांप अच्छा पापा नहीं की बता, चूहे खाने के लिए माना जाता है, इसीलिए इसे अरे हेड जी ने नहीं इंडियन रैट चूहे और मेंढक खाता है, चूहे खाने वाला सांप है। मतलब जकड़ता है, ये अपने ब्लड को रोक सकता है, हाथ को सुन्न कर सकता है, इतनी ताकत होती है। ये छोड़ेंगे जब वो छोड़े अरे रियान तो देखे नहीं, अब तो सेल्फी ले सकते हैं। देखिए आज जो हमने फतेहनगर चतुर्वाग से एक रेस्क्यू किया था इंडियन रेड स्नेक, जिसे दामन कहते हैं, उसको दूर जंगल में छोड़ने आए हैं, जो पुनर्वास में अपना जीवन यापन करेगा। देखिए ये दामन प्रजाति का सांप है, देखिए ये भारत का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप भी कहा जाता है इसे। देखिए पलक झपकते ही गायब हो गया है, किधर गया। तो ऐसे जीव को बचाने में हमारी मदद करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।